हानियास किचन में आपका स्वागत है। रमजान स्पेशल में मैंने आज उड़द दाल की भजिया बनाई है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हुई है, ये देखिए। पर इसे गर्मा गर्म ही खाइएगा, ठंडे होने के बाद ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह बनाएंगे। इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं आधा कप उड़द दाल। उड़द दाल को मैंने किस तरह भिगोया है और इसे किस तरह पीसा है ये आप आगे के मेथड में देखिए। आधा कप उड़द दाल, इस कप से मैंने मेजरमेंट किया है उड़द दाल का। उसको 3 से 4 पानी धोने के बाद मैंने उसे भिगो दिया है। 4 से 5 घंटा भिगोने के बाद देखिए उड़द दाल इस तरह हो जाती है, फुली फुली और नरम सी। अब इसके बाद हम इसका पानी निथार लेंगे और इसे पीस लेंगे। मैंने उड़द दाल को मिक्सर में ले लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप या 6 टेबलस्पून पानी डालेंगे। 6 टेबलस्पून पानी डालने के बाद अब आप इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद उड़द दाल इस तरह बारीक सी होनी चाहिए, बारीक सा पेस्ट बनना चाहिए। देखें, एक छोटी प्याली प्याज इसे चॉपर में काट लीजिए, आधा टीस्पून जीरा, एक छोटी प्याली कोथमीर इसे भी बारीक काट लीजिए, 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा। मैंने पीछे ही उड़द दाल को एक बड़े से प्याले में ले लिया है। अब इसके बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल देंगे। बारीक कटी हुई प्याज, कोथमीर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ग्रेट किया हुआ हरी मिर्च और अदरक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे ताकि भजिया एकदम क्रिस्पी और फुली फुली हो। ज्यादा सा नहीं डालिएगा नहीं तो बहुत तेल सोखेगी। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मैंने डाला है। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से उड़द दाल में मिला लेंगे। बहुत ही टेस्टी भजिया बनती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से इस तरह मिलाइएगा इसे, बहुत देर तक इस तरह मिलाने से ये बहुत फुली फुली भजिया होती है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल को मैंने मीडियम हॉट किया है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं कीजिएगा नहीं तो जैसे ही आप भजिया डालेंगे तो वो जल जाएगी। जिस तरह प्याज की भजिया बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, बस प्याज की भजिया बड़ी बड़ी रहती है, ये हम छोटी छोटी बनाएंगे। देखिए इस तरह भजिया को आप इसमें डालते जाइए। गैस को आप तेज आंच पे आप कर दीजिए। जैसे ही एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी तो अपने आप वो छोड़ देगी नीचे से। अभी इसे पलटने की कोशिश नहीं कीजिएगा नहीं तो भजिया फूटने लगेगी। इसी तरह सारी बैटर की भजिया बना लीजिए। देखिए भजिया मेरी कुछ पीछे से लाइट गोल्डन होने लगी है। अब आप इसे इस तरह पलट दीजिए हल्के हाथ से। जब वो चारों तरफ से गोल्डन हो जाए तब हम इसे टिश्यू में निकाल लेंगे। देखिए गोल्डन हो गई है तो वो अपने आप नीचे से कढ़ाई से छोड़ दिए। जबरदस्ती अगर आप इसे पलटने की कोशिश करेंगे तो भजिया थूकने लगेगी, ये अपने आप ही पलटने लग जाती है। अब उसे दूसरी तरफ से लाइट गोल्डन होने दीजिए। देखिए मेरी भजिया चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब आप गैस को स्लो कर दीजिए और इसे टिश्यू पे निकाल लीजिए। फिर इसी तरह आप बाकी भजिया को भी कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाती है, रमजान में बनाने के लिए सबसे इजी और आसान तरीके की रेसिपी है। अब आप इसे डिश आउट कर लीजिए। हमारे रमजान स्पेशल उड़द भजिया रेडी है। आप गर्मा गर्म भजिया को पुदीने की चटनी या सॉस के साथ खाइए।